एवरीवन, आज की रेसिपी है तंदूरी पनीर ग्रिल सैंडविच। क्यों, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना? ये सैंडविच इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार जरूर बनाएंगे। तो चलिए बिना देर लगाए रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तंदूरी पनीर ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने क्यूब शेप में कट करके ले लिया है। एक बड़ी प्याज, उसको मैंने चॉप करके ले लिया है। एक बड़ा टमाटर, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में चॉप करके लिया है। एक बड़ा कैप्सिकम, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में चॉप करके लिया है। आधा कप जितना हंग कर्ड, यहाँ पे मैंने 700 ग्राम जितना गाढ़ा दही लिया था और उसको एक पतले कपड़े में बांध कर छन्नी में फ्रिज में रख दिया था ताकि पानी अलग हो जाए। 3/4 कप जितना उबला हुआ कॉर्न, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया, 1.5 टेबलस्पून बेसन, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला कम पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के अलावा हमें चाहिए ब्रेड, बटर और हरी चटनी। तो चलिए तंदूरी पनीर ग्रिल सैंडविच बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। अब हमने जो तेल लिया है उसमें से 2 टीस्पून जितना तेल इस बाउल में डालेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब एक विस्कर ले लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से तेल में लाल मिर्ची को मिक्स करके अच्छे से फेंट कर स्टफिंग तैयार करेंगे तो स्टफिंग का कलर तो अच्छा आएगा ही, लेकिन उसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, बेसन डाल देंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अब इन मसालों और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो हंग कर लिया था वो डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे कि हमने काला नमक का भी इस्तेमाल किया है और चाट मसाला का भी इस्तेमाल किया है, उसमें भी थोड़ा सा नमक रहता है। अब इसे अच्छे से फेंटते हुए मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट जितना फेंट लेंगे। ये विस्कर में थोड़ा सा फंस जाता है तो आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। अब हम इसमें पनीर, प्याज डालेंगे, टमाटर, कैप्सिकम, कॉर्न भी डाल देंगे। मेरे बेटे को कॉर्न बहुत ही पसंद है तो मैंने अलग से नहीं बनाए, तो मैं इसमें से थोड़े से रख लेती हूँ। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब सब्जियों जितना या तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। सब्जियों में मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, कैप्सिकम और कॉर्न लिया है। आप अपने पसंद अनुसार सब्जियों को ऐड कर सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सभी पे अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद एक पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे। पैन हल्के गर्म होते ही उसके अंदर तेल डालेंगे। तेल हल्का गर्म होते ही हमने जो स्टफिंग तैयार किया है वो डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के इसे थोड़ा सा चला लेंगे। इसे चलाते हुए 1 मिनट जितना भून लेंगे। अब हम गैस को लो फ्लेम पे कर लेंगे और पैन को ढक्कन ढककर कवर कर लेंगे। इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तब तक चलते हैं अगली प्रोसेस में। तो हमारा स्टफिंग रेडी होता है, तब तक ब्रेड को बटर और चटनी लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो ब्रेड के ऊपर बटर की एक लेयर लगा लेंगे। बटर आप अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा कम ही लगाएं, क्योंकि हम ग्रिल करने के लिए भी बटर का इस्तेमाल करेंगे और अगर आपको बटर ज्यादा पसंद है तो लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी स्प्रेड कर लेंगे। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो अगर आप लोगों को चटनी की रेसिपी देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दूंगी।
अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो ग्रीन चटनी थोड़ी सी ज्यादा भी लगा सकते हैं। अब स्टफिंग देख लेते हैं। इसे एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। सब्जियां हल्की सी पक गई है और पनीर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा स्टफिंग तैयार है, तो गैस बंद कर लेंगे। अब दूसरे ब्रेड के ऊपर हमने जो स्टफिंग तैयार किया है उसे लगा लेंगे। स्टफिंग को हम अच्छे से फैला कर लगाएंगे ताकि सैंडविच का टेस्ट अच्छा आए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब ये जो स्लाइस के ऊपर हमने चटनी लगाकर तैयार किया है उसे स्टफिंग के ऊपर रख देंगे। हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब इसके ऊपर की साइड बटर की एक पतली सी लेयर लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रिल मशीन के ऊपर भी हल्का सा बटर लगा लिया है जिससे कि सैंडविच के ऊपर की लेयर एकदम क्रिस्पी ग्रिल हो जाए। अब हमने जिस साइड बटर लगाया था वो नीचे आए उस तरह से सैंडविच को मशीन के ऊपर रख देंगे। दूसरी साइड भी हल्का सा बटर लगा लेंगे। अब हम इसे बंद कर लेंगे और अच्छे से ग्रिल होने देंगे। इस तरह से सैंडविच के दोनों साइड आप बटर लगाकर उसे ग्रिल करोगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रिल होगी, एकदम क्रिस्पी और ग्रिल मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। तो थोड़ी देर बाद इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सैंडविच ग्रिल हो चुकी है, लेकिन आपको अगर मेरी तरह थोड़ी सी ज्यादा क्रिस्पी पसंद हो तो इसे थोड़ी देर और ग्रिल होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं। तो इसे एक किचन टॉवल पे या तो प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं इसे चॉपिंग बोर्ड पे निकाल रही हूँ ताकि इसे कट करने में आसानी रहे। तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। वाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही और बहुत गर्म भी है, तो मैं वापस रख देती हूँ। इस टेस्टी सैंडविच को आप ग्रीन चटनी और केचप के साथ में सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।